मिल रही है। आपको बताते चले कि जहां पर घर में घुसकर हत्या और लूट के आरोपी से पुलिस की मुठभेड़ हुई है। आरोपी प्रदीप विश्वास पुलिस की गोली लगने से घायल हो गया। बताया जा रहा है कि गिरफ्तारी के बाद आरोपी से जीप रुकवाकर बाथरूम जाने का बहाना बनाया। जीप से उतरते ही आरोपी ने पुलिस की पिस्टल छीनकर भागने की कोशिश की, जिसमें पुलिस की फायरिंग में आरोपी घायल हो गया है। आरोपी के घर से 7.5 लाख कैश जेवरात बरामद किए गए हैं। घायल बदमाश को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। पूरा मामला इकोटेक 3 क्षेत्र का बताया जा रहा है। 18 जुलाई को पुराने सूतियाने में एक डॉक्टर के घर पे, जब डॉक्टर का पूरा परिवार बाहर गया था, उसकी एक बेटी घर पे थी 14 साल की, और जिसकी हत्या करके और पैसा लूटने का अभियोग पंजीकृत किया गया थाना इकोटेक 3 में। नामजद अभियुक्त प्रदीप को जब पुलिस द्वारा पूछताछ किया गया तो उसने अपना जुर्म इकबाल किया। इसके बाद उसको लेकर के रिकवरी के लिए जाया गया और उसके घर से जो चावल के उससे बरामद किया गया था 7.5 लाख रुपए और सोने चांदी के बाद बरामद किए गए। सहयोगी हिमांशु हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। हिमांशु, इस मुठभेड़ को लेकर क्या जानकारी मिल पा रही है? बिल्कुल, देखिए आपको बता दें, ये दिन दहाड़े ये घटना को अंजाम दिया गया था, जब 25 लाख रुपए की लूट और एक 14 वर्षीय लड़की की गला दबाकर हत्या कर दी गई थी। लिहाजा पुलिस ने टीमों का गठन किया था और देर शाम एक इनपुट मिला था। घर पे जाकर जो नजदीकी थे उन पर नजर लगातार बनाई जा रही थी और ऐसे में ही एक घर पे जब उनको सूचना मिली तो पुलिस एक अभियुक्त को हिरासत में ली और उसके घर गई तो वहां पर 7.5 लाख रुपए कैश और ज्वेलरी मिली। लिहाजा जब उसको लेकर आ रही थी तो उसने बीच में बहाना बनाया कि उसे बाथरूम करना है, गाड़ी रोकी जाए। जब गाड़ी रोकी गई उसके बाद उसने भागने का प्रयास किया और पुलिस का जो है पिस्टल छीनने की कोशिश की। इसी दौरान फायरिंग हुई है और आरोपी मुठभेड़ में घायल हुआ है। फिलहाल उसका अस्पताल में इलाज चल रहा है। वहीं दूसरी तरफ 14 वर्षीय लड़की की जो हत्या हुई है उस पर जो है परिवार गमगीन है। जी शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए हिमांशु। दिल्ली में यमुना का जलस्तर लगभग एक हफ्ते बाद खतरे के निशान से नीचे आ गया है। बीती रात 8 बजे यमुना का जलस्तर जो है 205.30 मीटर हुआ है। 10 जुलाई को शाम 5 बजे यमुना का जलस्तर खतरे के निशान यानी 205.33 को पार कर गया था। तो यमुना खतरे के निशान से नीचे है, एक हफ्ते बाद खतरे के निशान से जलस्तर पहुंचा है, क्योंकि लगातार ये देखने को मिल रहा था कि लगातार जलस्तर बढ़ रहा था लेकिन यमुना का लेवल अब घटा है। दो तस्वीरें अपने टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, खतरे के लेवल से नीचे है पानी। और 12 जुलाई की भी तस्वीरें आप देख रहे हैं जब यमुना में सैलाब देखने को मिला। लगातार ये जलस्तर बढ़ता ही जा रहा था लेकिन अब गनीमत की बात है कि धीरे धीरे करके जो पानी का लेवल है वो नीचे होते जा रहा है। दो तस्वीरें आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, तो अब धीरे धीरे करके यमुना का जलस्तर जो है वो कम हो रहा है, क्योंकि लगातार जल भराव की स्थिति होने की वजह से स्थानीय लोग काफी परेशान हो रहे थे। जल कहर, डूबे कई शहर। बेकाबू यमुना, मुश्किल हुआ जीना। लाल किला डूबा, अब ताजमहल की बारी। बारिश भारी, कुदरत का कहर जारी। भागो भागो सैलाब आया, मुसीबत बेहिसाब लाया। पानी में डूबी गलियां, शोर मचाती नदियां। शहर तैरने लगी गाड़ियां। सावधान।
सैलाबी संकट अभी जारी है। आधा जुलाई बीत चुका है लेकिन सैलाबी संकट कम होने का नाम नहीं ले रहा है। आपने दिल्ली में यमुना का कहर देखा, यह तस्वीरें आप देखिए, यमुना अब भी उफान पर है, आधी दिल्ली भी अभी डूबी है, लेकिन अब सबसे बड़ी मुसीबत यूपी पर आती दिख रही है। बाढ़ बारिश से यूपी के कई जिलों में हालात बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं। कई जिलों में मंदिर, घाट और गलियां डूबी हुई हैं। चाहे मथुरा हो या आगरा, हर तरफ एक जैसा ही मंजर दिख रहा है। वहीं उत्तराखंड में भी नदियां उफान पर है, अलकनंदा दहाड़ मार रही है, तो हरिद्वार के कई इलाकों में खतरा बढ़ गया है। गंगा और यमुना नदियों में लगातार बढ़ता जलस्तर लोगों की मुसीबत बना हुआ है। मथुरा, आगरा, शाहजहांपुर, मेरठ और प्रयागराज तक पानी की परेशानी बढ़ती जा रही है। हालांकि प्रशासन ने बाढ़ से राहत बचाव की तैयारी भी की है, लेकिन ये कितनी काफी होगी आने वाला वक्त बताएगा। मानसूनी बारिश के बाद उत्तर प्रदेश के कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। कृष्ण नगरी मथुरा में यमुना नदी खतरे के निशान से भी एक मीटर ऊपर बह रही है। हालांकि अब जलस्तर में थोड़ी कमी दर्ज की गई है, जहां चारों तरफ यमुना का पानी लोगों की परेशानी बढ़ा रहा है। वहीं प्रशासन ने राहत और बचाव के कार्य भी तेज कर दिए हैं। अपना कहर बरपाने के बाद कालिंदी अब काना की नगरी मथुरा में अपना कहर बरपाए हुए, और आप देख सकते हैं कि उसी कहर का जो वस्तु स्थिति है उसका निरीक्षण करने के लिए प्रभारी मंत्री जो है संदीप सिंह यहां पर आए हुए हैं। लगातार एनडीआरएफ की टीम के साथ जो है यहां पर यमुना के जो बाढ़ प्रभावित इलाके उनका निरीक्षण कर रहे हैं। अगर हम बात करें तो मथुरा में जो है यमुना ने अपना कहर बरपाया है। करीब 110 गाँव ऐसे हैं जो यमुना किनारे बसे हुए हैं, जो पूरी तरीके से जलमग्न है। उधर आगरा में यमुना की बाढ़ तबाही मचा रखी है और यमुना खतरे के निशान से 4 फीट ऊपर चल रखी है। मेहताब बाग के व्यू पॉइंट को बंद कर दिया गया है। दशहरा घाट, पोया घाट और कैलाश महादेव के मंदिर में यमुना का पानी भर गया है। कैलाश महादेव मंदिर में गर्भगृह में 3 से 4 फुट पानी भर गया है। उधर पीलीभीत में काली नदी का प्रकोप देखने को मिल रहा है। शारदा बैराज से 1,37,000 क्यूसेक पानी छोड़े जाने के बाद शारदा नदी के किनारे बसे 15 गांव बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। यहां कृषि भूमि का बड़ा इलाका पानी में डूब गया है। हम लोग नदी गांव का खतरा है। ये बांस का जो है कैरेट बनाकर डाल रहे हैं, इसे कोई सहायता मिलने वाले नहीं, इसे कोई लाभ नहीं होगा। उधर प्रयागराज में गंगा और यमुना दोनों नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ता दिख रहा है। संगम तट पर औरैल क्षेत्र में बनाए गए पक्के घाट की दर्जनों सीढ़ियां पानी में डूब चुकी हैं और बारादरी भी डूबने की कगार पर है। उत्तराखंड और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हो रही बारिश से और बांधों के पानी छोड़े जाने से संगम का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में जहां बाढ़ और बारिश ने कहर बरपाया है, वहीं संगम नगरी प्रयागराज में भी गंगा और यमुना दोनों नदियां उफान पर है। लगातार यहां दोनों नदियों का जलस्तर बढ़ रहा है। 2 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गंगा और यमुना नदियां लगभग बढ़ रही हैं और इस वक्त मौजूद हैं हम अरैल घाट पर। आप देख सकते हैं यहां पर पक्का घाट बना हुआ है और 2 दिन पहले ये बारादरी डूब गई है। यहां पर डीप वाटर बैरिकेटिंग लगाई गई है और इसके साथ ही साथ यहां पर जल पुलिस और अन्य इंतजाम किए गए हैं। जहां पर मैं इस वक्त खड़ा हूँ, यहाँ पर दर्जनों सीढ़ियाँ जो है वो जलमग्न हो गई है। फिरोजाबाद में यमुना किनारे बसे गांव में बाढ़ का पानी आ गया है। यहां प्राचीन शिव मंदिर यमुना के पानी में डूब गया है। लोगों के मुताबिक 2 दिन पहले मंदिर पूरी तरह से दिख रहा था, लोग दर्शन पूजन करने के लिए आ रहे थे, लेकिन आज यमुना का जलस्तर इतना बढ़ गया कि शिवलिंग भी नहीं दिख रहा। शाहजहांपुर में नरोरा बैराज से 2 दिन पहले छोड़े गए पानी से रामगंगा नदी लगातार उफान मार रही है, जिससे 2 गांव बाढ़ की जद में आ गए हैं। लोगों को आवाजाही में दिक्कतें हो रही हैं, किसानों की फसलें बर्बाद हो रखी हैं। कमथरी, चिंतार, बांसखेड़ा और चौरा गांव बाढ़ से पूरी तरह से घिर गए हैं। बाढ़ चौकी भी जो पानी में ज्यादा है उन्हें ला रहे हैं बाहर और देखभाल कर रहे हैं, पूरी आ जा रहे हैं वो। वही मेरठ के हस्तिनापुर इलाके में बाढ़ का कहर जारी है। गंगा नदी का जलस्तर और भी ज्यादा बढ़ गया है, जिसके चलते 13 गांव का संपर्क टूट गया है। इतना ही नहीं, बाढ़ के कहर के बाद अब इन गांवों में संक्रामक रोग फैलने का भी खतरा बढ़ता जा रहा है, जिसके लिए अब स्वास्थ्य महकमा अलर्ट मोड पर है।
कानपुर में गंगा उफान पर है, जलस्तर खतरे के निशान के करीब है। बढ़ते जलस्तर को देखते हुए जिला प्रशासन ने गंगा में नाव चलाने पर रोक लगा दी है, लेकिन खतरे और रोक के बावजूद कुछ लोग गंगा में नाव चलाते नजर आ रहे हैं। गंगा के बढ़ते जलस्तर और हालात के मॉनिटरिंग के लिए बाढ़ चौकियों में कर्मचारी तैनात किए गए हैं। न्यूज 18 ड्रीम ग्राउंड जीरो पर आप देख सकते हैं कि जितनी भी नावें कैमरे की नजर में आ रही हैं, सिर्फ एक किनारे घाटों पर खड़ी हैं। घाट तक पूरा पानी पहुंच चुका, जहां तक कैमरे की नजर आ रही नाव, क्योंकि गंगा उफान पर है, ऐसे में कोई रिस्क नहीं लेना चाहता है इसलिए। और मगर कुछ नासमझ नादान लोग अभी भी हैं जो इन सब बातों को दरकिनार करके आप देख सकते हैं कि गंगा के बीच मझधार में बोटिंग कर रहे हैं। हालांकि प्रशासनिक अधिकारियों के स्पष्ट निर्देश हैं कि यहां बोट नहीं चलेगी, मगर इन लोगों के शायद बात जहन में नहीं है। इसलिए गंगा के मेन मज़ार, अगर सुरक्षा की बात की जाए तो आप देख सकते हैं कि सुरक्षा के लिए कैसे पुलिसकर्मी यहां मुस्तैद किए गए हैं। पुलिस के ऑफिसर्स की ड्यूटी लगाई गई राउंड द क्लॉक, सब इंस्पेक्टर्स कॉन्स्टेबल सब लगाए गए हैं। जहां तक कैमरे की नजर आ रही है, आप देख सकते हैं सामने इधर बैरिकेटिंग पूरी लगा दी गई है, इसमें महिला पुरुष दोनों सिपाही लगाए गए हैं, पीएससी के जवान लगाए गए हैं, जल पुलिस लगाई गई, लोगों को समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि बैरिकेटिंग के उस तरफ रहें, मगर फिर भी कुछ ऐसे नासमझ जो इसको मानने को तैयार नहीं है। उत्तराखंड में एक बार फिर सैलाबी बवाल के हालात पैदा हो रहे हैं। श्रीनगर डैम से पानी छोड़े जाने के बाद पौड़ी, ऋषिकेश से लेकर हरिद्वार तक परेशानी बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। उधर बारिश ने दिल्ली में जो हालात पैदा किए थे, अब उनमें सुधार दिख रहा है, लेकिन अभी भी दिल्ली में यमुना के जलस्तर में कोई खास कमी नहीं देखने को मिल रही है। हालांकि हालात काबू में बताए जा रहे हैं। पहाड़ों में लगातार हो रही बारिश मुसीबत का सबब बनी हुई है। पहाड़ों में तेज बारिश से अलकनंदा नदी का जल स्तर बढ़ गया, जिसके बाद श्रीनगर डैम से पानी छोड़ा गया है। डैम से 3000 क्यूमैक्स पानी छोड़ा गया है, जिसका असर हरिद्वार तक पड़ने वाला है, जिसके लिए हर जिले में पुलिस प्रशासन अलर्ट है। ऋषिकेश के चंद्रेश्वर में नदी किनारे बसे लोगों को हटाया जा रहा है, साथ ही नदी किनारे पुलिस गश्त कर रही है और लोगों को नदी से दूर रहने की चेतावनी दी जा रही है। जहाँ पर ऐसा है कि लोग अक्सर नदी तट पर स्थित है, तो लोग नदी तट की तरफ आते जाते रहते हैं, तो इसी के दृष्टिगत हम लोग सबको अवेयर कर रहे हैं। मौसम विभाग ने भी भारी बारिश की चेतावनी दे रखी है और साथ ही श्रीनगर डैम से भी पानी छोड़ा जा रहा है, इसलिए सबको अवेयर कर रहे हैं कि आप नदी किनारे ना जाएं। और अगर पुलिस सहायता की आपको आवश्यकता हो तो हमारा नंबर है 112 नंबर या SHO साहब का नंबर है 9411118215, इस पर हमें सूचना दें। श्रीनगर में अलकनंदा का जलस्तर बढ़ने से डैम से 3000 क्यूमैक्स पानी छोड़ा गया, जिसके बाद निचले इलाकों पौड़ी, टिहरी, देहरादून, हरिद्वार और ऋषिकेश में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। वहीं ऋषिकेश के मायाकुंड इलाके में भी पुलिस प्रशासन लोगों को अलर्ट रहने के लिए लगातार अनाउंस कर रहा है। ये ध्यान दें, आवश्यक सूचना, नदी का जलस्तर बढ़ रहा है, श्रीनगर डैम से पानी छोड़ा गया है, सभी से निवेदन है कृपया नदी किनारे ना जाएं, पानी बहुत अधिक है, नदी किनारे जाने से बचें और गहरे और गड्ढे वाले स्थानों पर जाने से बचें, अपनी सुरक्षा का ध्यान रखें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें। आवश्यक सूचना, सभी से निवेदन है गहरे वाले स्थानों पर ना जाएं, नदी में पानी अधिक है, श्रीनगर डैम से पानी छोड़ा गया है, नदी किनारे जाने से बचें और गहरे स्थानों वाले व्यक्ति भी ध्यान दें, अपनी सुरक्षा का ध्यान रखें। उधर चमोली की बात करें तो यहां मूसलाधार बारिश ने बीती रात नंदानगर के सेरा गांव में जमकर कहर बरपाया। ग्रामीणों ने पूरी रात जाग कर बिताई। सड़क के मलबे ने मोक्ष नदी का रास्ता इस कदर बदला कि सेरा गांव के खेत खलिहान, घराट और गौशाला बाढ़ की भेंट चढ़ गए। मोक्ष नदी में आई बाढ़ के कारण जहां तटबंध तोड़कर एक घर का बड़ा हिस्सा बह गया है, वहीं बड़ी मात्रा में कृषि भूमि को भी नुकसान हुआ है। नदी के तेज बहाव के कारण कई आवासीय मकानों को भी भारी खतरा पैदा हुआ है। वहीं बागेश्वर में मूसलाधार बारिश से गोमती, सरयू नदियां उफान पर आ गई। नदियों के उफान को देखते हुए नदी किनारे रहने वाले लोगों को अलर्ट कर दिया गया। एहतियात के तौर पर पुलिस, फायर ब्रिगेड तैनात कर दी गई। कपकोट और गरुड़ में मूसलाधार बारिश से नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। बागेश्वर में जहां बीते दिनों तेज धूप खिली रही, वहीं कल देर शाम से लगातार बारिश जारी है, जिसके बाद एकाएक लगातार
का जलस्तर बढ़ गया है, जिसके बाद कल रात से लगातार यहाँ पर सरयू का जो जलस्तर है उसमें बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। पर जो सरयू का जलस्तर था वो घाट के पूरे ऊपर आ गया था और बागनाथ मंदिर तक के पानी पहुँच गए थे। उसके बाद यहाँ पर जलपुलिस ने लोगों को, प्रशासन ने लोगों को यहाँ पर अलर्ट किया और जो आवासीय मकान है आस पास के उनको भी इस दौरान अलर्ट किया गया। आप देख सकते हैं किस तरह से घाट पे पूरा मलबा आया हुआ है, तो लगा सकते हैं कि कितना रौद्र रूप कल रात सरयू का था। उसके बाद लगातार सरयू के आसपास रहने वालों को अलर्ट किया जा रहा है कि जिससे सभी सुरक्षित रह सके और जो बारिश है उसके बचाव कर सके।